Morning class, this is our new genetics class in which today we will study about the next topic of genetics, that is gene mutation. देखिए हम genetic disorders वगैरह की बात कर रहे हैं genetics की study के अंदर. तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हो जाता है? जीन के म्यूटेशन की वजह से. तो क्या होता, क्या है ये म्यूटेशन? म्यूटेशन इज़ अ सडन चेंज. तो ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए भाई. म्यूटेशन क्या है? कोई भी सडन चेंज जो हेरिडिटरी मटेरियल में आता है उसको म्यूटेशन कह देते हैं. म्यूटेशन क्या है? कोई भी सडन चेंज जो हेरिडिटरी मटेरियल के अंदर आ जाए. हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, इनमें कोई भी सडन चेंज आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं. ये म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. डीएनए एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो रेप्लिकेट करता है एक अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ में, और उसके रेप्लिकेशन में थोड़ा बहुत पर एरर भी हो सकता है. हालांकि उस एरर को जो है वो प्रूफ रीडिंग के थ्रू ठीक कर दिया जाता है मोस्टली टाइम पे. तो पहला तो ये जब रेप्लिकेट होता है डीएनए जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है, वो जब रेप्लिकेट होता है तो पहला तो होता ही बहुत एक्यूरेसी के साथ में रेप्लिकेशन है कि उसमें गलती होने के कोई चांस ही नहीं होते. भूल से कोई गलती हो जाए तो प्रूफ रीडिंग से उसको ठीक कर दिया जाता है. और इन सब प्रोसेस के बावजूद बहुत ही कम 1% तक ही चांस ऐसे बचते हैं कि फिर भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक रह जाए, तो उसको अपन जीन म्यूटेशन कहते हैं. अब हिस्ट्री क्या है जीन म्यूटेशन की? तो 1901 के अंदर ह्यूगो डी वेराइस ने सबसे पहले म्यूटेशन टर्म बताया था. उसने कहा था सडन हेरिटेबल फिनोटिपिक चेंजेस आ जाते हैं. इवनिंग प्राइमरोज के अंदर उन्होंने देखा था कि कुछ सडन हेरिटेबल फिनोटिपिक चेंजेस आ गए थे. फिर 1904 में टीएच मॉर्गन ने बताया था कि वाइट आई की जो ड्रोसोफिला थी उसकी पॉपुलेशन में रेड आई फ्लाइज उन्होंने देखी, तो ये भी एक म्यूटेशन था. फिर 1928 में एचजे मुलर ने सबसे पहले एक्सरे का यूज़ किया था फ्रूट फ्लाई के अंदर म्यूटेशन करवाने के लिए. तो ये हिस्ट्री है. अब म्यूटेशन, म्यूटेशन या जो चेंजेस हैं वो जीन्स और क्रोमोसोम्स दोनों में आ सकते हैं. जीन्स में आते हैं उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं, क्रोमोसोम में आते हैं उसको अपन क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी या क्रोमोसोमल एनोमैलीज कहते हैं. जीन म्यूटेशन दो तरह से हो सकता है, या तो जो जीन है या जो डीएनए है उसके किसी एक न्यूक्लियोटाइड को, एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया किसी दूसरे से, जैसे जी की जगह सी आ गया या जी की जगह ए आ गया या टी की जगह जी आ गया, ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाए, या फिर कोई एडिशन और डिलीशन हो जाए न्यूक्लियोटाइड का, या तो न्यूक्लियोटाइड में कुछ ऐड हो जाए, कुछ डिलीट हो जाए, या फिर उसमें कोई रिप्लेसमेंट हो जाए. एडिशन और डिलीशन आता है तो जो क्रोमोसोम है वो बाएं या दाएं तरफ शिफ्ट हो सकता है, इसलिए इस तरह के म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं. और रिप्लेसमेंट तो एक ही जगह दूसरा कुछ आया, मतलब उसकी कोई जगह, उसकी लोकेशन, उसका नंबर कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट म्यूटेशन भी कहते हैं. क्रोमोसोम में क्या आता है भाई? क्रोमोसोम म्यूटेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाएगा. स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसको अपन जोमी कहते हैं. नहीं, चेंज जोमी तो नहीं कहते, सॉरी, स्ट्रक्चरल चेंजेस को तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ही कहते हैं. एक्चुअली उसके जो नंबर में चेंज आता है वो दो तरह का हो सकता है. न्यूमेरिकल वर्ड बोलूँ, मैं नंबर नहीं बोलूँ तो न्यूमेरिकल वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, आप भी इसको ठीक कर लीजिएगा लिखते समय, कि या तो क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंज आ सकते हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ही कहला रहे होते हैं, पर न्यूमेरिकल चेंजेस जब आ रहे होते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं. न्यूमेरिकल चेंजेस या तो उसके नंबर में चेंज आएगा या पूरे पूरे क्रोमोसोम के सेट में चेंज आ जाएगा. सेट में अगर चेंज आता है तो हम टर्म प्लॉयडी यूज़ करते हैं, और अगर नंबर में चेंज आता है तो जोमी टर्म यूज़ होता है. जैसे अगर सेट कम हो गया तो एन्यूप्लॉयडी, ज़्यादा हो गया तो पॉलीप्लॉयडी, और अगर नंबर में चेंज आ जाए तो मैंने कहा जोमी, SOMY जोमी कहते हैं. तो अगर कम हो गया तो मोनोजोमी, ज़्यादा हो गया तो ट्राईजोमी, क्योंकि सेट कितना होता है भाई, नंबर N2N यही तो होता है, इसी से अपन बता रहे होते हैं. तो अगर क्रोमोसोम
कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, तो 46 क्रोमोसोम में से अगर 45 रह गए तो मोनोसोमी, 47 हो गए तो ट्राइसोमी, 48 हो गए तो टेट्राजोमी, 49 हो गए तो पेंटाजोमी, ऐसे करके नंबर बढ़ते जाएंगे। और सेट में कैसे भाई, सेट कितना होता है एन का, एन्यूप्लॉयड, 2n से n हो गया तो एन्यूप्लॉयडी, 2n से 3n हो गया तो पॉलीप्लॉयडी, ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन है। अब देखिए जीन म्यूटेशन क्या होता है भाई, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो ऑल्टर्ड हो जाए तो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के ऑल्टरेशन को अपन जीन म्यूटेशन कहते हैं। ये चेंज जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के पेयर को भी अफेक्ट कर सकता है या लार्ज जीन के सेगमेंट को भी क्रोमोसोम में अफेक्ट कर सकता है, क्रोमोसोम में या क्रोमोसोम के लार्ज जीन सेगमेंट को भी, या केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के पेयर पर भी असर डाल सकता है। तो ये जीन म्यूटेशन इसी के बेसिस पर तीन तरह के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। पॉइंट, फ्रेम शिफ्ट और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है भाई, पॉइंट म्यूटेशन को ही हम साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं, मिससेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस। फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम या तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो कैसे भाई, राइट शिफ्ट तब होएगा जब उसमें कोई नई चीज़ ऐड हो जाएगी या अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो आप ये क्या राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कैसे बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई अपन ने जेनेटिक कोड मैंने आपको बताया था ना, ट्रिपलेट का कोडोन होता है तो एक साथ लिखे हुए होते हैं पर उनको पढ़ना आपको तीन तीन में होता है। तो बीच में अगर सोचिए कि कोई एक सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा आ गया तो जो पहले तीन हो रहा जैसे ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, या तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे पढ़ेंगे, पर बाई चांस बी की जगह पर अचानक ही बीच में ओ आ गया तो अब आप कैसे पढ़ेंगे, ए बी ओ सी डी ई, यानी फ्रेम किस साइड, राइट साइड शिफ्ट हो गया कब, जब कोई चीज़ इंसर्ट हुई। और एग्जैक्टली ऐसे कोई चीज़ बीच में से निकाल दीजिए, बी हटा दिया तो ए सी डी, तो फ्रेम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। किससे, डिलीशन से, जब आपने कोई चीज़ हटा दी तो इंसर्शन और डिलीशन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन में ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन होता है, जिसमें बेस जो होता है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। इसको आगे हम और पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन, ये सबसे कॉमन टाइप का जीन म्यूटेशन है, इसको अपन बेस पेयर सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयर है वो चेंज हो जाता है। ये तीन तरह का हो सकता है, साइलेंट, मिससेंस, नॉनसेंस, साइलेंट, मिससेंस, नॉनसेंस म्यूटेशन। सबसे पहले साइलेंट म्यूटेशन, इसमें एक कोडोन जो अमाइनो एसिड के लिए, जो एक कोडोन है वो किसी दूसरे कोडोन से चेंज हो गया सेम अमाइनो एसिड के लिए, तो इसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि सेम अमाइनो एसिड के लिए चेंज हो तो हमें पता ही नहीं चलता, पता चलता जब तो हम कहते हैं भाई म्यूटेशन और पता चल नहीं रहा इसका, मतलब साइलेंट है। तो साइलेंट म्यूटेशन को अपन सिनोनीमस म्यूटेशन भी कहते हैं। तो देखो जी ए ए ग्लूटानिन को कोड करता है, ए की जगह जी आ गया, जी ए जी, तो वो भी ग्लूटानिन को ही कोड कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं चला कि ग्लूटानिन तो बन गया हमारे अंदर, पर म्यूटेशन तो हुआ ही था। इसलिए अपन इसको, ऐसे म्यूटेशन को जिसका हमें पता नहीं चलता, हम उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। तो एग्जांपल देखते जाइए, ये बात ग्रिफ सेटेलर ने 2002 में बताई थी। दूसरा है मिससेंस म्यूटेशन, इसमें क्या है, एक अमाइनो एसिड के लिए जो कोडोन है वो चेंज हो गया ऐसे कोडोन से जो किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड कर देगा। उस पहले वाले ने, साइलेंट ने तो सेम अमाइनो एसिड को कोड किया था, मिससेंस में दूसरा अमाइनो एसिड ही कोड हो जाएगा। मिससेंस म्यूटेशन को अपन नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें सिकल सेल एनीमिया होता है। खैर यहाँ पर आप देखिए कि अमाइनो एसिड है हिस्टामिन, इसको सी ए टी सी ए टी सी ए टी ये कोड कर रहा है, यहाँ सी ए टी सी ए टी सी ए टी का सी सी टी आ गया तो प्रोलीन कोड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ हमें पता चल गया ये मिससेंस, यहाँ इसका सेंस ही नहीं था पर फिर भी गलत हो गया तो मिससेंस। अब नॉनसेंस म्यूटेशन, इसमें एक अमाइनो एसिड कोड करने वाला कोडोन जो है वो चेंज हो गया ट्रांसलेशन टर्मिनेशन से, टर्मिनेशन कोडोन आ गया, ट्रांसलेट हो गया टर्मिनेशन कोडोन, यानी स्टॉप कोडोन आ गया। तो स्टॉप कोडोन को अपन नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। तो स्टॉप कोडोन यू ए ए यू ए जी यू जी ए ऐसा कोई भी कोडोन आ जाता है तो उसको अपन, ऐसे म्यूटेशन को अपन नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं।
डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये प्रोटीन बन रहा था बेचारा, और वो बनना बंद हो गया क्योंकि स्टॉप कोडोन आ गया, तो आगे रीडिंग ही नहीं हो पा रही। अब आएगा पॉइंट म्यूटेशन ख़त्म, सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस तरह के म्यूटेशन में या तो डीएनए में कोई बेस जो है वो ऐड होता है या लॉस हो जाता है, जिससे कि जीन का पूरा पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। कि डीएनए में या तो कोई बेस ऐड हो जाएगा या कोई लॉस हो जाएगा, और जिससे जीन का पूरा पूरा फ्रेम जो है रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। रीडिंग फ्रेम में क्योंकि आपको पता है तीन बेसिस का होता है, ये हर एक कोड जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रेम पूरा पूरा, ग्रुपिंग ऑफ दीज बेसिस एंड चेंजेस द कोड फॉर अमाइनो एसिड। कि ये बेसिस के जो ग्रुप हैं वो चेंज हुए, और जिससे कि अमाइनो एसिड का कोड भी फिर चेंज होएगा, क्योंकि सब चीज़ आगे खिसक गई तो गलत अमाइनो एसिड कोड हो जाएगा, जिससे कि जो रिजल्टिंग प्रोटीन है वो कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल बन जाएगा। किसके होता है हमेशा, या तो इंसर्शन से या डिलीशन से। सिर्फ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो इंसर्शन और डिलीशन से होता है। इंसर्शन डिलीशन से सभी तरह के कैन ऑल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, CAT हिस्टामिन, TCS सेरोटोनिन, CAC फिर हिस्टामिन, वैलिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, इन सबको ये लगातार सीक्वेंस जो है वो कोड कर रहा है अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेम शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वन DNA बेस जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया। कहाँ पर आ गया भाई, देखिए कि आपने यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट करे, जो CAT रीड हो रहा था, आप क्या रीड हो रहा है, ATT, CAC, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर, आपने मान लीजिए इस सी को डिलीट कर दिया है, डिलीशन का एग्जांपल लिया गया, सी को डिलीट कर दिया, सब चीज़ आगे खिसक गई। आगे खिसकते ही आप देखिए सारे सारे प्रोटीन्स अलग बनने लगे, जो ऊपर देखिए क्या प्रोटीन्स थे और नीचे देखिए कि क्या प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अब इंसर्शन का देख लेते हैं हम, कि एक इंसर्शन से क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, चेंजेस द नंबर ऑफ DNA बेसिस इन अ जीन बाय एडिंग अ पीस ऑफ DNA। इसमें DNA का एक पीस ऐड हो रहा है, जिससे कि सारे वो बेसिस चेंज हो रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन में नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इसे जो प्रोटीन कोड हो रहा है फिर वो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। ओरिजिनल DNA जो है वो कौन कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस को कोड करा है यहाँ पर दिखाया गया है। ये DNA बेस देखिए और फिर देखिए कि क्या चेंजेस जो है वो आ रहे हैं, कि सारे के सारे फ्रेम शिफ्ट होते सारे सारे प्रोटीन चेंज हो गए भाई, और जो बन रहे फिर वो हमारे काम के हैं नहीं, फंक्शनल प्रॉपरली कर ही नहीं पाते, फिर ये जीन सही कर नहीं पा रहे क्योंकि सही प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया। ये इंसर्शन है, यहाँ डिलीशन, हम कह रहे हैं कि डिलीशनल चेंजेस की वजह से वही नंबर ऑफ DNA बेसिस जो है वो रिमूव हो जाता है, तो पीस ऑफ DNA जो है उसमें फ़र्क आ गया। स्मॉल डिलीशन जो है वो रिमूव कर सकता है एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर्स को एक जीन के अंदर, और अगर लार्जर डिलीशन हो रहा है तो हो सकता है पूरा पूरा जीन ही रिमूव हो जाए या उसके आसपास से कई जीन्स रिमूव हो जाएं। तो डिलीटेड DNA जो है वो ऑल्टर कर सकता है फंक्शन को, रिजल्टिंग प्रोटीन के फंक्शन को वो ऑल्टर कर देगा। नेक्स्ट बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, थर्ड वाला पॉइंट हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिसमें कि एक बेस पेयर जो है वो दूसरे से रिप्लेस हो गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ ना, इसको रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये दो सब टाइप का होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांजिशन देखिए भाई, ट्रांजिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस बाय द अदर बेस ऑफ द सेम केमिकल। भाई एक प्योरिन की जगह दूसरा प्योरिन, या एक पायरिमिडिन की जगह दूसरा पायरिमिडिन आ गया, जी की जगह ए आ जाए या ए की जगह जी आ जाए, सी की जगह टी आ जाए या टी की जगह सी आ जाए, तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है। दूसरा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में प्योरिन की जगह पायरिमिडिन या फिर पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया। देखिए एक प्योरिन दूसरे प्योरिन से रिप्लेस हुआ तो ट्रांजिशन, और अगर एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से रिप्लेस हो गया तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, अपोजिट रिप्लेसमेंट हो गया बेस का।
एक केमिकल कैटेगरी ही पूरी जो है बाय अ बेस ऑफ द अदर दूसरे बेस से रिप्लेस हो गई है। अब ये म्यूटेशन का मॉलिकुलर मैकेनिज्म सुनिए भाई, कैसे हो जाता है म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है म्यूटेशन, अपने आप आ जाए, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो सकता है हमने करवाया हो, फिजिकल म्यूटेशन एक्चुअली ये बाद में, तो फिर खैर इसके वो आ गए बाद में पढ़ेंगे। पहले तो दो ही तरह के म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप आ रहे हैं उसमें टॉटोमेरिज्म, डीप्यूरिनेशन या डीअमिनेशन प्रोसेस की वजह से हो सकता है। इंड्यूस म्यूटेशन जिसमें म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया गया, इंड्यूस हम फिजिकल म्यूटाजन्स की वजह से, वो फैक्टर जो म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं, कॉज करवा देते हैं, उनको अपन म्यूटाजन्स कहते हैं। म्यूटाजन्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरह के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल म्यूटाजन्स में रेडिएशंस और हीट आता है। रेडिएशन फिर दो तरह की हो सकती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और हीट तो भाई टेम्परेचर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा म्यूटेजन्स हमने बोले केमिकल म्यूटाजन्स हो सकते हैं। केमिकल म्यूटाजन्स में बेस एनालॉग्स हो सकते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं और इंटरकैलेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको कहा बायोलॉजिकल म्यूटेशन, जो कि किसी वायरस की वजह से, रिट्रोवायरस जैसी चीज़ें म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे पहले स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, वो म्यूटेशंस होते हैं जो नेचुरली अराइज होते हैं, किसी म्यूटाजेनिक एजेंट के एक्शन की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में एरर की वजह से हो सकते हैं, और इसमें न्यूक्लियोटाइड स्पॉन्टेनियसली ऑल्टर्ड हो जाते हैं किसी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल में, अचानक ऑल्टर्ड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन में एरर की वजह से हो सकता है। या तो रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर आ गया होगा, या कोई डीएनए मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका न्यूक्लियोटाइड अचानक ऑल्टर्ड हो गया होगा, तो उसको अपन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हमने कहा तीन तरह के होते हैं, टॉटोमेरिज्म, डीप्यूरिनेशन, डीअमिनेशन। टॉटोमेरिज्म में बेस जो है वो चेंज हो जाता है हाइड्रोजन एटम की रिपोजिशनिंग के द्वारा, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है वो ऑल्टर्ड हो जाएगा उस बेस का, जिसकी वजह से इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो जाएगी, रेप्लिकेशन फिर गलत हो जाएगा। डीप्यूरिनेशन में प्यूरिन बेस लॉस हो जाता है और एप्यूरिनिक साइट बन जाती है, और डीअमिनेशन में हाइड्रोलाइसिस चेंजेस अ नॉर्मल बेस टू एन अ टिपिकल बेस। नॉर्मल बेस हाइड्रोलाइज हो जाता है और टिपिकल बेस में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जैसे कीटो ग्रुप इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जगह कीटो ग्रुप आ गया। अब हमारा काम का तो अमाइनो एसिड, अब ये कीटो ग्रुप क्या काम का है भाई, तो ये इसको कहते हैं डीअमिनेशन। डीअमिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाई गई थी, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में, डीअमिनेशन, ट्रांसअमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, यूरिया साइकिल, ये चार तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं प्रोटीन के। तो वहाँ आपने डीअमिनेशन पढ़ा था, जिसमें अमाइनो एसिड की जगह क्या आ गया, कीटो ग्रुप आ गया। दूसरा हमने कहा इंड्यूस म्यूटेशन के लाइफ टाइम के दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट, वैराइटीज ऑफ एजेंट्स के जब कॉन्टैक्ट में आता है, उनसे एक्सपोज होता है, तो कैपेबल ऑफ कॉजिंग डैमेज टू इट्स जेनेटिक मटेरियल, तो उसके जेनेटिक मटेरियल में डैमेज हो जाता है, उसको अपन इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। अब ये म्यूटेशन जिन एजेंट से आते हैं उनको अपन म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस में रेडिएशन होती हैं और हीट होती है। रेडिएशन में आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज होती हैं जिनसे स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। हीट में वो हीट जो कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को डीएनए में तोड़ देती हैं, या एप्यूरिनिक साइट आ जाए उसकी वजह से हो सकता है, हीट की वजह से एप्यूरिनिक साइट आ जाए। केमिकल म्यूटाजेंस में हमने बोला बेस एनालॉग्स, अल्कलेटिंग एजेंट और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आते हैं। अब जीन म्यूटेशन का क्या असर पड़ेगा, तो हमने कहा इसका असर फ़ायदेमंद हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, या हो सकता है कोई असर पड़े ही ना, ना फ़ायदे का ना नुकसान का। बेनिफिशियल में भाई प्रोटीन के नए वर्जन बन जाते हैं, इसी से इवोल्यूशन होता है, उत्पत्ति जो हो रही होती है नई नई, हमने पढ़ी थी ना भाई पहले, डार्विन ने कई सिद्धांत दिए थे, वो गर्दन जिराफ की छोटी थी फिर लंबी हो गई वगैरह वगैरह जैसे, तो इवोल्यूशन इसी से हो रहा होता है। जीन म्यूटेशन तो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल सक्सेस और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी बढ़ा देता है ये म्यूटेशन, और हार्मफुल जीन्स कई बार हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फ़ायदेमंद है। हार्मफुल कई बार प्रोटीन अपना सही फंक्शन नहीं कर पाता, जीन म्यूटेशन से गलत प्रोटीन बन जाएगा और वो सही फंक्शन नहीं कर पाएगा।
कई बार ये हमारे शरीर के लिए जानलेवा, हमारे जीवन के लिए जानलेवा हो सकते हैं। कई बार फीटस का डेवलपमेंट रुक जाता है इस जीन म्यूटेशन से, और कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। न्यूट्रल, जिनका कोई ना फायदा होता ना हमारे शरीर पर उनका कोई नुकसान हो रहा होता है। अब जीन म्यूटेशन पढ़ा तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो हमारे अंदर प्रोटीन को, या तो उससे हमारे अंदर प्रोटीन मिस्ड हो जाता है या माल फॉर्म्ड हो जाता है, और उसकी वजह से डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं कि ये प्रोटीन जो गलत बन गया या नहीं बना वो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर दे। कुछ इस तरह की वेल नोन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम जानते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कैंसर, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है भाई, ये सभी डिसऑर्डर्स जो हैं वो सिंगल जीन के म्यूटेशन की वजह से देखे जाते हैं। कैंसर कैसे, कि भाई जैसे हम कह रहे होते हैं स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करता है, पर भाई बहुत स्मोकर्स घूम रहे हैं, सबको थोड़ी लंग कैंसर हो गया। तो ये सवाल अक्सर लोग पूछा करते हैं कि अच्छा फिर अगर स्मोकिंग से हो रहा तो सब लोगों को हो जाना चाहिए, पर सब लोगों सभी स्मोकर्स को तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ स्मोकर्स में जेनेटिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं और कुछ में आ गए जिसकी वजह से उसको कैंसर हो गया। तो स्मोकिंग एक फैक्टर था लंग कैंसर का। मेन जो कैंसर है वो जेनेटिक ऑल्टरेशन की वजह से देखा जाता है, जो मैं आप लोगों को पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगी कि कैसे जीन्स कंट्रोल करते हैं कैंसर को। ये देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं भाई म्यूटेशन के, डिसऑर्डर्स के। बस इसके साथ आपका जीन म्यूटेशन नाम का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।